हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी पाठशाला। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? तो ये वीकेंड है इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो का टाइम चेंज किया है ना। तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी, ठीक है? अगर हुई है तो प्लीज़ सॉरी। तो चलिए इस वीकेंड पे मैं आज आपके लिए बीच में मशीन इनपुट आउटपुट न्यू पैटर्न पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मैंने पिछले टर्न पे आपको न्यू पैटर्न कराया था, जो पैटर्न एग्जाम में आपको देखने को मिलता है उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए आज मैं पैटर्न 2 मतलब पार्ट 2 लेकर आया हूँ, ठीक है? तो जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं मशीन इनपुट आउटपुट के, वो प्लीज़ देख लीजिए। ये लेक्चर 4 है, इससे पहले हम 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? एंड आई होप आप लोगों ने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी और आपको मशीन इनपुट आउटपुट अब ईजी लगने लग गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए आज हम क्या है देखते हैं, क्या पैटर्न है हमारे पास और उस पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूं कि जो लोग ये वीडियो सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला पर देख रहे हैं, काइंडली इस वीडियो को पॉज करके बैंकिंग पाठशाला, ठीक है, चैनल का नाम क्या है, बैंकिंग पाठशाला, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं बैंकिंग पाठशाला के नाम से, ठीक, सिंबल वही है जो सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला का है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला सिर्फ एसएससी की तैयारी के लिए रहने वाला है और बैंकिंग पाठशाला सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की तैयारी के लिए ही रहने वाला है। इसलिए आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो अब पहले ही बैंकिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? मैं कुछ देर में इसका लिंक आपको अपने फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर करूंगा। जब ये वीडियो ऑनलाइन आएगा तब मैं इसको अपने फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दूंगा और काइंडली आप उस लिंक को ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए आई होप आप ये बात समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग की ही इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, है ना? आप लोग का ही टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज का हमारा पैटर्न क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इनपुट क्या गिवन है। देखिए आप अब देख सकते हैं कि इनपुट में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स गिवन है ना? कोई भी वर्ड्स गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स गिवन है ना? और ऐसे ही इनपुट हमने पिछले टर्न पर भी डिस्कस किया था, फाइन। तो आपको जैसा मैंने बताया था कि जब भी आपको कभी ऐसा इनपुट देखे तो आपको क्या करना है कि आपको लास्ट स्टेप पे नहीं जाना है ना? क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इनपुट के बाद हम क्या चेक करते हैं, लास्ट स्टेप चेक करते हैं, है ना? लेकिन अभी सिर्फ आपको नंबर्स ही गिवन है इसलिए आप लास्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे, फाइन। आपको क्या करना होगा कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे जितने स्टेप्स हैं आपको एक एक करके सब स्टेप्स को देखना है और देखना है कि मशीन क्या कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं कि मशीन क्या कर रही है और उस हिसाब से हम अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं, ओके फ्रेंड्स? तो चलिए स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 क्या है, 6, 5, 7, 9, 4, 26 इनपुट से आप कंपेयर कीजिए कि इस स्टेप में क्या चेंज हुआ। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 में नंबर्स क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, है ना? देखिए दो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए अगर देखिए सिंगल डिजिट नंबर होते, अगर सारे के सारे सिंगल डिजिट नंबर होते किसमें, स्टेप 1 में, तो मैंने आपको बताया था कि या तो आपके जो नंबर है इनपुट में जो नंबर्स हैं इनके एडिशन हुए होंगे डिजिट्स के, है ना, या सब्ट्रैक्शन हुए होंगे तभी आपको सिंगल डिजिट मिलता है। लेकिन स्टेप 1 देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नंबर सिंगल डिजिट नहीं है, यहाँ 26 भी आ गया, मतलब कि जो आपका इनपुट है उसके नंबर्स के जो डिजिट्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा रहा, ठीक है फ्रेंड्स? इतनी बात क्लियर हुई, ओके। अब देखिए दूसरी चीज़ कि नंबर्स छोटे हो रहे हैं, है ना? इनपुट जो है उसको आप स्टेप 1 से कंपेयर करेंगे तो स्टेप 1 में देखिए नंबर्स कैसे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। तो नंबर्स छोटे कैसे हो सकते हैं, दो तीन तरीके हैं, या तो इनपुट के नंबर्स को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करेंगे तब जाके वो छोटा हो जाएगा, है ना, या आपका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स? तभी आपका जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा आपके नंबर से। तो देखिए पहला है 36, ओके। अब अगर हम 36 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो देखिए आपको क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, ओके। सबसे पहली बात तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक होगी कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है, होता है कि नहीं? सबसे पहली चीज़ हमें यही स्ट्राइक करेगी, ओके, क्योंकि हम 36 को जब 6 को कंपेयर करेंगे तो आपको यही स्ट्राइक करेगा। फिर आप देखिए 25, अगर 36 का स्क्वायर रूट 6 मिल रहा है तो 25 का स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा, होगा क्या, 5, और देखिए आपको 5 ही मिल रहा है, तो मतलब ये हो सकता है। फिर 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, मतलब ये आपने जो पैटर्न पहचाना है बिल्कुल ही ठीक है कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है, जो भी इनपुट में नंबर्स हैं उनका क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट किया जा रहा है। 81 का स्क्वायर रूट है 9, 16 का है 4 और 676 का क्या है, 26, ठीक है फ्रेंड्स? तो स्टेप 1 मशीन क्या कर रही है, आपके जो भी गिवन नंबर्स हैं इनपुट के उनका स्क्वायर रूट कर रही है,
ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक और ध्यान देने वाली बात ये होती है कि सपोज 36 का स्क्वायर रूट है 6, 6 आप कुछ यहाँ पे ना लिख के बल्कि यहाँ लिख सकता है ना, उल्टे पैटर्न में भी आपको इनपुट मिल सकता है। सपोज जैसे आपको ये स्टेप वन था 6 5 7 9 4 26, सपोज आपका स्टेप वन ये भी हो सकता था 26 4 9 7 5 6, ठीक है, ये भी हो सकता था। तो आपको घबराने की बात नहीं करनी, आपको क्या करना था कि आपने 36 देखा, ओके, आपको लग रहा है कि सपोज ये जो नंबर्स हैं ये स्टेप वन के नंबर्स हैं ही छोटे हो रहे हैं, और आपको लग रहा है कि कहीं स्क्वायर रूट हो सकता है, तो आप देखिए 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6। तो आप इस पूरे स्टेप वन में ढूंढे कि 6 कहाँ है, 6 या तो फर्स्ट में होगा या लास्ट में, क्योंकि 36 शुरुआत में है ना, 36 कहाँ है, फर्स्ट पोजिशन पर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट आइदर फर्स्ट पोजिशन पर होगा या लास्ट पोजीशन पे होगा, बस आपको ये दोनों पोजीशन चेक करनी है। ये मत सोचिएगा कि 36 का स्क्वायर रूट के नीचे ही लिखा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो समझ में आया फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या कर रही है मशीन, स्क्वायर रूट कर रही है, ठीक है। अब हम स्टेप टू पर चलते हैं, देखिए अब स्टेप टू देखिए क्या हो रहा है, 6 किस में बन गया 17, 5 किस में कन्वर्ट हो गया 14, 7 किस में कन्वर्ट हो गया 20, 26 11 77, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टेप टू ये दे रहा हुआ है, तो मतलब सिंगल डिजिट नंबर आपके टू डिजिट में कन्वर्ट हो रहे हैं, फाइन। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 6 में कोई नंबर ऐड किया गया होगा तभी वो 17 बना, है ना, कोई चीज़ ऐड की जाएगी तभी तो वो बड़ी बनेगी, या 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 17 मिल सकता है, फाइन। तो दो पॉसिबिलिटी है, चलिए हम दोनों चेक कर लेते हैं। 6 को 17 बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, 11, ठीक है, 6 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 11। तो देखिए 6 में हमने 11 ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, 17, ठीक। 5 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो 5 में क्या ऐड करें तो 14 मिल जाएगा, तो हमें ऐड करना पड़ेगा 9। तो 6 में हमने 11 ऐड किया, 5 में हमने क्या ऐड किया, 9 ऐड किया, 7 में हमने क्या ऐड किया कि हमें 20 मिल जाए, तो 13, ठीक है फ्रेंड्स। आपको सबका नहीं निकालना है, देखिए ये जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि ये नंबर सीरीज नहीं है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे पैटर्न बनाना है, फाइन। तो देखिए अगर 6 में 11 ऐड किया जा रहा है तो 5 में भी या तो 11 ऐड होगा या कोई और, सपोज अगर 5 में 9 ऐड हुआ तो 7 में भी 11 ही ऐड होना चाहिए था, मतलब एक पैटर्न कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 6 में 11 ऐड हो रहा है, 5 में 9 ऐड हो रहा है, 7 में 13 ऐड हो रहा है, ऐसे 9 में कुछ और ऐड होगा, नहीं। अगर 6 में 11 ऐड हो रहा है तो या तो सब में 11 ही ऐड होगा, ठीक है, या सिर्फ दो नंबर का पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। ये नहीं करना है कि 7 में कुछ और ऐड हो रहा है, 9 में कुछ और हो रहा है, नहीं, फाइन फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एडिशन का पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। अब 6 को बनाना है 17, कैसे बन सकता है कि जब 6 के मल्टीप्लाई किससे करें, 3 से, क्या आ जाएगा, 18, और उसमें से माइनस 1 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 17, ठीक है। अब चेक कर लीजिए कि ये पैटर्न बाकी सब नंबर से फॉलो हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 5 से बनाना है 14, तो देखिए 5 × 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 15, और माइनस 1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 14। मतलब जो आपने पैटर्न पहचाना है वो बिल्कुल क्या है, ठीक है। ऐसे यहाँ चेक कर लीजिए, 7 × 3 क्या होता है, 21, माइनस 1 कर दीजिए क्या मिल गया, 20। देखिए आपको सब नंबर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस पहले 3-4 नंबर चेक कर लीजिए, अगर पैटर्न फॉलो हो गया तो उसी में वैलिड हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टेप टू में क्या हो रहा है कि मशीन जो है स्टेप वन में आपको जो नंबर्स मिले हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही है और क्या कर रही है, माइनस 1 कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको स्टेप टू मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही सोचना है, ठीक है, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत ना हो, फाइन। अब स्टेप टू के बाद हम क्या करते हैं, स्टेप थ्री देखते हैं। अब स्टेप थ्री देखिए क्या हुआ, 17 किस में चेंज हो गया, 11 में, फाइन। 14 किस में बदल गया, 8 में। 20 किस में चेंज हो गया, 14 में। तो आप फिर से एक बार पैटर्न जनरेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए 17 को 11 कैसे बना सकते हैं, हम क्या करें, 17 को 11 बनाने के लिए क्या करते हैं, माइनस 6 करके देखते हैं, है ना। जब 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 11। अब 14 को 8 बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस 6, ठीक। 20 को 14 बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस 6। देखिए माइनस 6 हर जगह हो रहा है, इसका मतलब आपका पैटर्न बिल्कुल ठीक है कि स्टेप 3 में मशीन क्या कर रही है कि 6 6 सब्ट्रैक्ट करती जा रही है, फाइन। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये नंबर सीरीज नहीं है, जो एक बार सब्ट्रैक्ट होगा वही आगे सब नंबर से ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आया स्टेप 3 में क्या हो रहा है कि हर डिजिट से क्या हो रहा है, एक 6 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, फाइन।
फिर आप स्टेप फोर पर चलिए कि स्टेप फोर में क्या हो रहा है। देखिए अब 11 किस में कन्वर्ट हो गया, 16 में। 8 किस में कन्वर्ट हो गया, 5 में। 14 किस में कन्वर्ट हो गया, 19 में। 20 किस में कन्वर्ट हो गया, 17 में। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार पैटर्न जनरेट करना है। तो देखिए 11 16 कैसे बन सकता है, जब हम क्या करेंगे, प्लस 5 ऐड करेंगे। ठीक है, 8 5 में कैसे कन्वर्ट होगा, अब देखिए 11 से 16 बड़ा था, ठीक है, लेकिन 8 से 5 क्या है, छोटा है। ऐसी 14 से 19 बड़ा है और 20 से 17 क्या है, छोटा है। मतलब एक बड़ा और एक छोटा नंबर मिल रहा है, मतलब आपको एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए 8 को 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, फाइन। ऐसी 14 को 19 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +5। ठीक है, 20 को 17 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, सब सेम है, +5 ही हो रहा है। ऐसी जो नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी कैसे हैं, सेम है, हम 3 ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेट नंबर्स पे क्या हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है और बाकी ऑल्टरनेट नंबर्स पे क्या हो रहा है, 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यही आपका पैटर्न है, फाइन। तो स्टेप फोर मशीन क्या कर रही है कि आपको ऑल्टरनेटली +5 और -3 करना है, फाइन, तब आपको क्या मिल जाएगा, स्टेप फोर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए स्टेप फोर तक तो आपने सॉल्व कर लिया, अब स्टेप फाइव चेक करते हैं। तो देखिए स्टेप फाइव में आपको क्या नंबर्स मिल रहे हैं, 5, 16, 19, 17, 10 और 68, वही नंबर्स हैं जो स्टेप फोर में मिले थे। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेप फाइव से आपका क्या शुरू हो गया, अरेंजमेंट शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया फ्रेंड्स, अरेंजमेंट। ठीक, अभी तक तो मशीन स्टेप फोर तक कुछ काम कर रही थी, है ना, कुछ एडिशन कर रही थी, कुछ सब्ट्रैक्शन कर रही थी, मतलब कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी, लेकिन स्टेप फाइव से क्या शुरू हो गया, अरेंजमेंट शुरू हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैलकुलेशंस भी करनी है प्लस अरेंजमेंट भी करना है, दोनों काम करने हैं, फाइन। अब देखिए कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, ये आपको पहचानना है। ये वही स्टेप्स हैं जो आपने पहले सीखे हुए हैं, है ना, मैंने अरेंजमेंट आपको कराया है ना, सिंगल अरेंजमेंट, डबल डी अरेंजमेंट, है ना, तो बस अब आपको वही करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेप फोर से कंपेरिजन कीजिए स्टेप फाइव का। तो स्टेप फोर में क्या था, 16 सबसे आगे था, स्टेप फाइव में सबसे आगे क्या आ गया, 5 आ गया, और बाकी नंबर्स वैसे के वैसे ही लिखे रहे। तो मशीन ने क्या किया, जो सबसे छोटा नंबर था, है ना, उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, सबसे लेफ्ट एंड पे। ठीक है फ्रेंड्स, यही किया ना मशीन ने। एक अप्रोच ये हो सकती है, दूसरी अप्रोच ये भी कह सकते हो आपकी मशीन ने क्या किया, क्रॉस इंटरचेंज कर दिया हो, है ना, ये 5 और 16 का क्रॉस इंटरचेंज कर दिया हो। तो लेकिन अगर क्रॉस इंटरचेंज होता तो फिर वो सबके साथ ही होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मशीन सिर्फ पहले नंबर के साथ क्रॉस इंटरचेंज करेगी, बाकियों को छोड़ देगी। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी अरेंजमेंट हो रहा है, जो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ देखिए मशीन क्या कर रही है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही नंबर को अरेंज कर रही है, मतलब यहाँ से क्या शुरू हो गया, सिंगल रीअरेंजमेंट शुरू हो गया, फाइन। तो मशीन ने क्या किया स्टेप फाइव से, कि सबसे छोटे नंबर को सबसे आगे शिफ्ट कर दिया, किधर, लेफ्ट एंड पर। ठीक है, अब स्टेप सिक्स देखिए, अब देखिए 5 आ गया, अब देखिए क्या आ गया, 10 आ गया। तो देखिए 5 के बाद अगला छोटा नंबर था 10, तो मशीन ने क्या किया, अब 10 को अरेंज किया, किधर अरेंज किया, 5 के इनसाइड एंड पर, है ना, 10 कोने पे नहीं आया, कहाँ आया, 5 के बगल में। ठीक है, तो 10 किधर अरेंज हुआ, 5 के इनसाइड एंड पर, ना कि आउटसाइड एंड पर। ठीक है, और बाकी नंबर्स एज इट इज लिखे रहे, फाइन। तो मशीन आपको समझ में आ रहा क्या कर रही है, कि छोटे, सबसे छोटे नंबर को पहले, फिर उससे छोटे नंबर। ठीक है, मतलब आपके जो नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, मशीन सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले अरेंज कर रही है, फाइन। अब देखिए 10 के बाद अगला छोटा नंबर कौन सा मिलता है आपको, 16, और 16 देखिए पहले ही अरेंज है, इसका मतलब आपका अगला नंबर अरेंज होगा। तो स्टेप 7 में देखिए फ्रेंड्स, 16 के बाद आता है 17, 17 अरेंज हुआ है, कहाँ आ गया 17, 16 के बाद में, क्योंकि 16 ऑलरेडी अरेंज था, इसलिए मशीन ने इसको अरेंज नहीं किया। इसको कहते हैं हम ऑटो अरेंजमेंट। ऑटो अरेंजमेंट मतलब जब आपका नंबर ऑलरेडी ही अरेंज हो, उसको हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, फाइन। तो देखिए स्टेप 7 में क्या हुआ, 17 अरेंज हो गया और बाकी नंबर एज इट इज। और देखिए फ्रेंड्स, बाकी दोनों नंबर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, है ना, इनको अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 7th स्टेप है, यही आपका क्या है, लास्ट स्टेप। ठीक, समझ में आया ना, क्योंकि देखिए 17 अरेंज हुआ, अगले स्टेप में 19 अरेंज होना था, और 19 देखिए अपने ही प्लेस पे बैठा हुआ है, फाइन। ऐसे ही 68 भी अपनी प्लेस पे बैठा हुआ है, इनका अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए जो 7th स्टेप है, यही आपका क्या है, लास्ट स्टेप है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया, मशीन इसमें दोनों चीज़ें एक साथ कर रही है, कैलकुलेशंस भी कर रही है, मतलब आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कर रही है और साथ ही साथ अरेंजमेंट भी कर रही है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आपको कैलकुलेशंस वाले स्टेप्स मिले है ना, उसमें क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो सेम रहते हैं। एग्जामिनर अभी कभी आपसे नहीं पूछेगा कि टोटल स्टेप्स कितने लगे। तो क्या बताइए फ्रेंड्स, क्या वो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें भी सेम रहेंगे? कि इसमें भी आपको देखो इनपुट सिर्फ नंबर्स गिवन है, वर्ड्स गिवन नहीं है, है ना, इसमें भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो रहा है। तो क्या बता सकते हैं मुझे कि क्या इस क्वेश्चन में कि 7 स्टेप्स ही लगेंगे, कि जो भी इनपुट गिवन होगा उसके फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे? होंगे क्या? नहीं ना। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ कैलकुलेशंस होता, सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस होता, तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स फिक्स रहते, ठीक है। लेकिन इसमें फोर्थ स्टेप के बाद अरेंजमेंट शुरू हो गया है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स क्या करेंगे? वेरी करेंगे, ठीक है। किसी इनपुट में आपको, जैसे इस इनपुट में आपको 7 स्टेप में कंप्लीट हुआ, ऐसी किसी इनपुट में 8 भी हो सकता है, किसी इनपुट में भी 6 भी हो सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 4 स्टेप ही होंगे, पहले 4 स्टेप हर इनपुट के लिए सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक। क्योंकि इसके बाद अरेंजमेंट शुरू हो गया, इसलिए आपको इनपुट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि अरेंजमेंट कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स कभी याद रखिएगा कि कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं या लास्ट स्टेप क्या है, तो आप 7 मत टिक कर देना, है ना, क्योंकि आधे लोग यही करेंगे। क्योंकि मैंने, जैसे कि मैंने बताया हुआ होगा कि अगर इनपुट में आपको नंबर्स दिखे तो जो इतने नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन होंगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट भी है। तो प्लीज़ आप ये मत करिएगा कि कोई भी इनपुट उसमें 7 टिक कर दीजिएगा, नहीं, 7 इस इनपुट के लिए है, ऐसी कोई और इनपुट आएगा तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी इनपुट में अरेंजमेंट हो रहा है तो वहाँ नंबर ऑफ स्टेप्स फिक्स नहीं रहते, ठीक है, फिक्स कभी नहीं रहते। और आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि अगर क्वेश्चन को एग्जामिनर कह रहा है कि व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप या हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, तो वो इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि आपको अगर 7 स्टेप उसने एग्जाम्पल में दिए हुए तो वह 7 ऑप्शन दे देगा और आप उसको टिक कर देंगे, है ना, ऐसा बेवकूफ़ तो है नहीं वो। तो वो यही टेस्ट करता है कि कहीं आपने चीज़ रटी तो नहीं हुई, आपने सिर्फ इनपुट देखा, हाँ नंबर्स हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो रही है, तो जितना एग्जाम्पल में दिया हुआ स्टेप्स उतना ही आपके इनपुट में भी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट है, इसलिए आपके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या करेंगे, वेरी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें मशीन क्या कर रही है, बस आपको यही चीज़ आपके गिवन इनपुट पे अप्लाई करनी है और आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि इनपुट क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपको एक इनपुट गिवन हुआ है, अब आपको इस इनपुट के साथ वही सारे स्टेप्स करने हैं जो कि मशीन ने किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना कि आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते, तो ये मैंने आपको दिया होमवर्क में, ये आपका इनपुट है, आपको इसको सॉल्व करना है। हाँ, अब क्वेश्चंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, फाइन। क्या आपको क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स या लास्ट स्टेप, ठीक है, कि लास्ट स्टेप कौन सा था, 8 स्टेप लगे, 7 स्टेप लगे, 6 स्टेप लगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जो लोग बताएंगे मैं उनकी ही हेल्प करूँगा फिर, और जो लोग नहीं बताएंगे फिर वो आप समझ लो, ठीक है ना, ये मेरी कंडीशन है। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन कर पाओगे, है ना, ईजी सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस जो स्टेप्स मशीन ने किए हैं आपको भी एज इट इज़ करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आपको ये मशीन इनपुट का जो आज का लेक्चर वो समझ में आया होगा और आपने मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, है ना। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको मैं एक टॉपिक पूरा ख़त्म कर दूँ, है ना, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक मैं एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कराता रहूँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, फाइन। डेली मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन आपको मैं नोटिफाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है ना, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपके आंसर्स का इंतज़ार करूंगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, ठीक है, इजी सा है, आप कर लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।